अभी तक यहाँ सुबह लगभग 8 बजे का टाइम था, उस वक्त ये यहाँ पे देखा गया, लोगों ने देखा और उस वक्त लोगों ने इसको यहाँ भगाने की कोशिश की। गांव के लोग आए और वहाँ मुगल मैदान के साथ में जो पुल है वहाँ पे उसको देखा गया और 6 घंटे तक उसको एक ही जगह पे वहाँ पे रखा गया। सुबह से डिपार्टमेंट के लोग थे, मैंने SDM साहब से भी बात की, तहसीलदार साहब से, मैंने DC साहब से भी बात की इस बारे में कि कम से कम ये 3 जो हैं रीच यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से परसों यहाँ पे कुछ लोगों को उसने अटैक किया। तो इससे पहले भी हमने इनके बताया भी था कि इनको ऊपर थोड़ा सा कैप्चर, मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ के जानवर हैं क्योंकि इनको लाया गया है कहीं से, क्योंकि जो आज सुबह से मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि ये अगर यहाँ का होता तो ये कहीं से रास्ता ये पकड़ लेता, लेकिन इसका रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था और ये कहीं इधर उधर भटक रहा था और डिपार्टमेंट के लोग कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए थे। ये 3 बजे का टाइम है जब मैं मौके पर पहुँचा, मैंने SDM साहब को बताया, तहसीलदार साहब को मौके पर लाया और चंद लोग जो डेली वेजर थे उनके वहाँ पे बेचारे सुबह से गए हुए थे उस सपाट पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो जब वो इस रहल थल के थल दंदू थल सोत और यहाँ रहल मोचीपुरा के लोग, खजगाम के लोग, मुगल मैदान के लोग, इन्होंने शोर उठाया, हल्ला गुला उठाया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो इन्होंने लोगों ने उसको कवर किया और इस वक्त जो है शाम के टाइम में इसको हायर सेकेंडरी के करीब में पहुँचाया और इसको फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको जो है इस वक्त बेहोश कर दिया और अभी जो है उसको यहाँ से उठाएंगे। लेकिन उसके जो 2 बच्चे हैं वो यहाँ पीछे गांव में गए हैं, उनका खतरा रहता है क्योंकि आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे यहाँ आते हैं, एकेडमी यहाँ पे है, लेकिन कोई टसे मस नहीं हो रहा है। यहाँ अगर बोल रहे हैं कि इनको कुछ हटाने का काम किया जाए तो बोल रहे हैं नहीं जी, ये डिपार्टमेंट मोदी जी के पास है तो उसने कहा है कि इनको नहीं हटाना है। हो सकता है, हाँ ये ठीक बात है कि हम मानते हैं कि जंगली जानवरों का तहफ़ ज़रूरी है, लेकिन लोगों का तहफ़ भी पहले ज़रूरी है। अगर लोग बचेंगे तो उससे फिर ही होगा, सब कुछ होगा। तो इससे मेरी गुजारिश है आपके चैनल के वसादत से कि इस डिपार्टमेंट को थोड़ा मुतहरिक किया जाए। ये एक ही रीच की बात नहीं, यहाँ शेर घूमते हैं, यहाँ बंदरों ने कोहराम मचाया, लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर है जो लोगों को अटैक करते हैं, बच्चों के, बुज़ुर्गों के ऊपर, जहाँ आज माल मवेशी के साथ हमारे लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं ये खतरा लोगों के लिए है। और मैं अभी जो है इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों की मदद से इन्होंने इसको रेस्क्यू करने किया। लेकिन ये डिपार्टमेंट नाकाम और फेल है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है, कहता है कि इसको न पत्थर लगना चाहिए न इसको कोई लाठी मारे, लोग मरे तो टेंशन नहीं, ये मोदी, ये डिपार्टमेंट मोदी साहब के पास है। आपका क्या कहना? हमारा इमरान भाई शुक्रिया आपका यहाँ हमारे पास पहुँचने का। हम आपसे कहना चाहेंगे, इतनी गुजारिश करना चाहेंगे, जो भी बात आप कहीं पर पहुँचाओगे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी आपके साथ में खड़ी है, ये आप दिखा सकते हो। और उसके साथ में मगल मैदान में दिन भर रही, सुबह 10 बजे वाइल्ड लाइफ वाले पहुंच गए, पूरे डिपार्टमेंट ऑफिसर साथ में है, ठीक है, रेंजर साहब साथ में थे, लेकिन हमने उनको कहा कि हम एकजुट होकर सारी आवाम आएंगे, एक साइड इसको पूरी साइड से बांध लेंगे, हम इसको कहीं खुले जगह पे लाएंगे जहां आप डांट दे सकते हो इसको। उनने कहा नहीं आप छेड़ो नहीं, हम शाम तक इंतजार करेंगे, लेकिन शाम का इंतजार यही था अंधेरा, फिर भी लोगों को जो बर्दाश्त नहीं आया, रात को बाहर निकलता, गांव का इलाका है, बाथरूम बाहर है, ठीक है, तो उसके बाद वहां से उन लोगों, मतलब इन्होंने वहां से भगाया इसको, फिर ये इलाके में आ गई, फिर इलाके के लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं आया, तो उसके बाद ये दिखा सकते हो कहां पे इस वक्त पहुंची है, पूरा जो है पूरे लोग यहां पे जो पूरे लोग है इस वक्त दर बदर खजल है, लेकिन आवाम जो है किसी की बाप की नौकर नहीं है। सर इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने लोगों को अभी तक बालों ने यहां नुकसान पहुंचाया, हमारे छात्रों डिवीजन में, मगर मैदान में, तो इन लोगों को चाहिए, हो सकता है कि ये जल्द से जल्द कार्रवाई करे और लोगों के लिए सहूलियत करे, ये डिपार्टमेंट जो इनको दफा करे, कोई नई अफसर यहाँ हमारे लिए लाए जो हमारी बात आवाम की सुने, ये आवाम पे उल्टी तानाशाही चलाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से और इंतजामिया से, मतलब जो हमारे यहाँ पे इंतजामिया हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है, हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कोई सहूलियत ढूंढो, ये डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल फेल है। सुबह 10 बजे से अभी 6 बजे है, बिल्कुल फेल है। ये लोग डिपार्टमेंट सुबह से सिगरेट चाय पे चाय और देख रही थी तमाशा, ये लोगों का काम है यहाँ तक पहुँचाना। सुबह 7 बजे से लेकर अभी शाम भी हो रहा है, पूरे 12 पंचायतें ब्लॉक मुगल मैदान के सारे इस वक्त जमा है, इधर पुल के साथ में आकर बैठ गया है भालू 2 बच्चे लेकर। अभी सुबह से पूरी टीम रेस्क्यू टीम इस वक्त लगे रहे, अभी खबर आ रही है कि इधर उसको बेहोश कर दिया, अभी उसके 2 बच्चे वो इधर पीछे नाले में कहीं भाग गए। यहाँ पूरी दहशत फैली हुई है इस वक्त, पूरे ब्लॉक मगल मैदान इस वक्त इधर जमा है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप
वाइल्ड लाइफ भी सुबह से इस वक्त जुड़े हुए हैं यहाँ हमारे साथ, और लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया है वाइल्ड लाइफ वालों को, इसलिए हम इस वक्त सभी इधर जमा है हायर सेकेंडरी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।